ये मशीन देख पा रहे हैं दोस्तों ये ये ऐसे ही कल चल रही थी मशीन अचानक इसका लीवर काम करना बंद कर दिया ऊपर ही उठ के रह गया है जैसे कि आपने देखा ये मशीन ऊपर ही उठ के रह गया है तो चलिए अब दिखाते हम लोग इसमें क्या किए हैं और क्या करने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये आ गया हम लोग कंट्रोल वाल के पास में इसके नीचे में सोलो नाइट लगा हुआ है चार्थों तो पायलट लाइट का सोलो नाइट है तो हम लोग क्या किए हैं पायलट नाइट में थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं ये देख पा रहे हैं ये जो आप देख पा रहे हैं एक्यूमलेटर के बगल में फर्स्ट नंबर जो ये डमी है ना ये इस तरह अपोजिट साइड में लगा हुआ था ये डमी ठीक है यहाँ पे वो फर्स्ट नंबर में ये चौबीस का एल्बो सॉकेट लगा हुआ था पाइप के साथ में तो इस तरफ में हम लोग लगा दिए हैं ये एल्बो जो देख पा रहे थे आप ये इस तरफ में लगा हुआ था कहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे ठीक है दोस्तों तो हमने खोल के यहाँ से वहाँ पे लगाया था अब क्यों लगाया था हम लोग थोड़ा सा सोलो नाइट के डायरेक्ट करके सोलो नाइट को डायरेक्ट नहीं मतलब तो ये पायलट लाइन को थोड़ा सा डायरेक्ट करके चेक कर रहे थे कि डायरेक्ट में ऑपरेट हो हो रहा है कि नहीं क्योंकि कभी कभी क्या है कि सोलो नाइट का सप्लाई वगैरह रुक जाने से प्रॉब्लम्स आ जाने से इसको हम लोग पायलट लाइन को डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इशू होने से ठीक है दोस्तों तो उसमें से ठीक ठाक नहीं हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ इसलिए अभी पायलट पायलट पंप ही खोलने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये चार लेंकी लगा रहता है आठ नंबर का इसको खोल के पायलट पंप को कंप्लीट बाहर निकाल लेते हैं इसको वॉश करके देखते हैं कभी कभी क्या पिस्टन भी इसका ब्लॉक हो जाने से यानी जाम हो जाने से ये सिस्टम पूरा स्टक हो जाता है पिस्टन यदि थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करेगा ना तो सारा फंक्शन काम करना बंद कर देता है तो इसलिए पायलट को कंप्लीट देखो ऊपर में डिसमेंटल करेंगे अभी तो ये चार या पाँच नंबर के ऊपर में लगता है तीन रहता है इसको खोलेंगे और ये जो सॉकेट एल्बो लगा हुई है अलग कर देते हैं तो जैसे देख पा रहे ये अलग हो गए अब इसको पेट्रोल डाल के वॉश कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं और इसके अंदर में इसके अंदर में दो पिस्टन और स्प्रिंग लगे रहते हैं और ये पीछे तरफ में जो देख पा रहे हैं आप ये खोल रहे हैं यहीं से हम लोग प्रेशर को एडजस्ट करते हैं और ये देख पा रहे हैं जैसे कि आप अंदर में दो दो पिस्टन एक छोटा एक बड़ा पिस्टन निकलता है बीच में स्प्रिंग लग रहता है ठीक है दोस्तों ये देख पा रहे हैं खोल दिए हैं और ये है बड़ा वाला पिस्टन और एक छोटा रहता है और बीच में स्प्रिंग लगा रहता है ठीक है दोस्तों तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ओरिंग वगैरह जो लगी रहती है उसको चेक कर लें सही है कि नहीं इसमें बैकअप सील और ओरिंग लगी रहती है छोटे पिस्टन में ठीक है दोस्तों तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करें और ये जो जहाँ से प्रेशर एडजस्ट करते हैं उसको भी अच्छी तरह से खोल के सोलह नंबर का सॉरी सत्रह नंबर का नट रहता है उसको लूज करेंगे और इसको ड्राइवर से स्क्रू को बाहर करके अंदर में स्प्रिंग पोफेट वगैरह रहता है तो उसको भी साफ़ कर लें साफ़ कर लिए हम लोग अच्छी तरह से अब इसको फिट करने जा रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं ये पिस्टन स्प्रिंग फिट करने जा रहे हैं एक्चुअली में हम ये दोबारा खोले थे और उसी में लगे लगे पिस्टन और स्प्रिंग वॉल वगैरह खोल लिए थे और दोबारा इसको फिट करने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों जो देख पा रहे हैं ऊपर में एक डमी प्लेग लगा रहता है एलैंकी का ठीक है छः नंबर के लेंकी लगेगा उसको ऊपर से टाइट कर देंगे नीचे से इसका मैन जो प्रेशर एडजस्टर है उसको टाइट कर देते हैं नीचे से ठीक है पायल लाइन का प्रेशर एडजस्ट यही करते हैं जहाँ पे अभी मैं पाना लगा रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो इसमें बाईस नंबर का तेईस नंबर तेईस का पाना लगता है ठीक है तो ये टाइट हो चुका है पूरी तरह से तो ये देख पा रहे हैं पूरा टाइट हो गया है अब जाके आपको चालू करके चेक करवाएंगे ठीक है दोस्तों एक बार और चेक कर लेते हैं टाइट बराबर हुआ कि नहीं ये अपना लॉक नट है जो प्रेशर एडजस्ट स्क्रू होता है उसका लॉक नट टाइट किया अभी ठीक है दोस्तों कंप्लीट तो हो गया है अब चलिए चेक करते हैं ऑपरेट हो रहा है कि नहीं जैसे देख पा रहे हैं काम करने लगा ठीक है ये ये देख पा रहे हैं इसे कर बस स्विंग कर स्विंग स्विंग बस दोनों तरफ कर दोनों तरफ दोनों तरफ ये देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे कि अभी वर्क करने लगा है अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था पहले हिल भी नहीं रहा था मशीन अभी बराबर ये चलने लगा है ठीक है जैसे कि आपने देखा दोस्तों मशीन बराबर ऑपरेट करने लगा है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो